प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हां, और इस चरण में जयपुर शहर और ग्रामीण, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जयपुर में भी लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जयपुर शहर और ग्रामीण सीट के लिए नामांकन पत्र 10 से 18 अप्रैल तक भरे जाएंगे और इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट में खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करने वाली है, जबकि आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा 15 अप्रैल को अपना नामांकन भरेंगे। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया भी 15 अप्रैल को नामांकन भरने वाली हैं। भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौर 16 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। नामांकन दाखिल होने के बाद 20 अप्रैल को भरे गए नामांकन पत्रों की झटनी होगी और 22 अप्रैल को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता लोकेश ओनला फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी लोकेश, बताएं क्या कुछ तैयारियां? देखिए, आज अधिसूचना जारी होने के बाद में आज 11 बजे से राजस्थान के दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर जो पहले चरण का नामांकन है प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद में अब स्क्रूटनी होगी पहले चरण के नामांकन की और उसके बाद में नाम वापसी होगी। वही आज से दूसरे चरण के जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और जो 18 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद में 20 को इनकी स्क्रूटनी होगी नामांकन की और उसके बाद में 22 को नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट किए जाएंगे और उसके बाद में प्रदेश में जो नाम मतदान है वो होगा और वो भी दो चरणों में मतदान होगा इस बार। जी रवीना जी, लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दे कि दूसरे चरण के लिए 6 मई को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।